बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने जा रहे हैं आलू और बैंगन की रेसिपी। आधा कप दिया है तेल। यहाँ पे कुछ हमारे पास चीज़ें हैं, प्याज एक बड़े साइज की और सब्ज़ मिर्चें कोई दो से तीन अदद हैं और लहसुन का पेस्ट है एक टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें हमने डालनी है वन बाय वन। प्याज को हम डाल देंगे थोड़ा सा, और प्याज को सब्जी जब भी बनाते हैं ना तो उसमें प्याज की बिल्कुल ओवर कुकिंग नहीं करनी होती। प्याज को आपने दरमियानी आँच पर पकाना होता है, लेकिन उसको इतना पकाना होता है कि बस पिंक सा हो जाए और सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा। और यहाँ पे प्याज हो चुकी है पिंक हल्की सी और थोड़ी सी फूल गई है, तो इसका मतलब है कि प्याज हमारी हो गई है कुक। और अब इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन का पेस्ट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है 1 टीस्पून से, तो इसलिए हम थोड़ा डालेंगे। आधा किलो आलू है और आधा किलो ही एक पाव उसमें है हमारे पास बैंगन। आलू से आधा आप बैंगन डालें, क्योंकि बैंगन बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो फिर हमारे तो बच्चे इतना शौक से फिर खाते नहीं हैं। लहसुन को भी इतना सा ही बस पकाएंगे कि इसकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसकी मज़ीद कुकिंग रुक जाए, और इससे ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना। सब्जी का ना अपना जो फ्लेवर होता है ना, तब आता है जब आप इसकी ओवर कुकिंग नहीं करते और मसाले भी ज़्यादा नहीं डालते। अगर मसाले हम बहुत ज़्यादा डाल देते हैं ना, तो फिर भी सब्ज़ी का टेस्ट कहीं उसमें दब के रह जाता है। मसालों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है, तो वो भी इतना अच्छा नहीं लगता। और अगर हम ओवर कुकिंग कर देते हैं तो भी इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो फिर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लाल मिर्च डालेंगे 1.5 टीस्पून के जितनी, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं थोड़ी सी, तो लाल मिर्च को हम इतना ही रखेंगे 1.5 टीस्पून तकरीबन। आप मिर्च और नमक अपने जायके के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करें। और यहाँ मिर्च को डाल के थोड़ा सा पकाया है, और उसके बाद हल्का सा पानी, ताकि इसका प्रोसेस है कुकिंग वाला वो थोड़ा सा स्लो हो जाए, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। मिर्चें खासकर जब जल जाएँ तो फिर वो जायका अच्छा नहीं रह जाता उसका, सालन का। और अब हम डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी जो है हमने बिल्कुल खास मसाले डाल दिए हैं, बीच में बैटरी भी थोड़ी सी हो गई थी लो, फिर मुझे पता नहीं चला कि कब बंद हुई है। यहाँ पे हमने मसाले डाले हैं कोई, इसमें लाल मिर्च डाली है 1.5 टीस्पून, और हमने डाला है इसमें हल्दी पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, और खुशक धनिया पाउडर डाला है 2 टीस्पून। तो ये सारे मसाले डाले हैं, साथ साथ पकाए गए हैं और साथ साथ इसको मसालों को हमने शामिल किया है। अब इसमें नमक की बारी है। नमक और लाल मिर्च अपना आपको पसंद हो उस हिसाब से आप डालिएगा जितना आप खाते हो। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून ही डाला है नमक, और इसको अच्छा सा पकाएंगे। और यहाँ पे मसाले हमारे पक चुके हैं, बिल्कुल बेसिक मसाले डाले हैं। और अब हमने टमाटर डालना है। टमाटर ये 2 अदद टमाटर लेके उसको सिलबटे में हमने कुट लिया है, इसके छिलके उतार दिए हैं। ये टमाटर जो है ना, इसको मैं फ्रीज कर लेती होती हूँ, फ्रीज़र में रखे होते हैं ज़्यादा सारे लेके, तो जब डालना वो साबत रखे होते हैं। जब मैंने पेस्ट बना के रखा था ना, वो मुझे इतना मज़े का नहीं लगा था। साबत रखे होते हैं उनको, फिर थोड़ा सा आप टैप के नीचे करें, थोड़ा जैसे ही थोड़ा सा गीला होता है छिलका, इसका ज़रा नरम होता है तो वो फ़ौरन से उतर जाता है छिलका। तो उस वक्त छिलका उतार के इसको ना सिलबटे में ही कुट लेते हैं, तो इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी निकलता है। और यहाँ देखें आप डालते ही कितना अच्छा इसका वो गाढ़ी सी ग्रेवी टाइप बन गई है, और ना फिर इसमें एक्स्ट्रा पानी भी नहीं डालना पड़ता। ये टोटल टमाटर होता है, जैसे टमाटो प्यूरी नहीं आप लेते, उसमें सिर्फ टमाटर होता है पानी नहीं होता, तो ये उस तरह होता है। तो अब जैसे ही हमने टमाटर डाला है, फौरन से हमने इसमें डाल देना है सब्जी, क्योंकि टमाटर में पानी तो था नहीं। तो यहाँ मैंने पूरी इसमें ना डाला हुआ था, पानी के अंदर रखी हुई थी सब्जी। तो आप देखें आलू भी बिल्कुल अपनी असली हालत में है और बैंगन भी। तो ये बैंगन और आलू इकट्ठे हमने डाल देने हैं। यहाँ पे देखें, ये बहुत ही आसानी से पकता है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार सब्जी इस तरह से लगती है। बिल्कुल प्योर सिंपल तरीका है इसका, और बहुत सादा से मसालों के साथ आप इसको बनाया करें। हमारे तो बच्चे इतने शौक से ये खाते हैं सब्जी, कि इसको मैं आपको बताऊंगी भी कि कैसे, क्योंकि हमने तेल इसमें पूरी सब्जी में थोड़ा सा डाला है, 1/2 कप से भी थोड़ा है जो हमने यूज़ किया है। लेकिन मैं इसमें पता है क्या करती हूँ, जब ये सब्जी पक जाती है ना पूरी, तो फिर जितनी बच्चों को देनी होती है ना, बड़े तो ना लें शायद, लेकिन बच्चों को, क्योंकि वेट इश्यू नहीं होता और उन्होंने पढ़ना होता है, उनकी एनर्जी काफ़ी लग रही होती है, तो उनको फिर मैं ये करती हूँ कि इसको अलग से फ्राइंग पैन में डाल के थोड़ा सा देसी घी ऊपर डाल देती हूँ, जैसे 2 चम्मच 2 टेबलस्पून एक बच्चे को डाल दिया या 1 टेबलस्पून डाल दिया इस तरह। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाती हूँ, इसी वीडियो में दिखाऊंगी एंड में जब उनको देने लगूंगी बच्चों को। तो ये हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, और थोड़ा सा 1 से 2 मिनट 2 से 4 मिनट के लिए हमने चूल्हा तेज कर दिया है, ताकि सब्जी थोड़ी सी गर्म हो जाए, क्योंकि ठंडी पानी से निकाली है, तो एक दफ़ा थोड़ी सी गर्म हो जाए। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल दम वाली आग करके ना, तो उस पर इसको ढांप देना है। अभी इसको गर्म
गर्म होने देते हैं थोड़ा सा, ताकि सही ये वार्म अप हो जाए। ये आलू जितना पानी छोड़ेंगे ना और जितना बैंगन पानी छोड़ेगा उसी में ही ये पकेगा, लेकिन आंच हल्की होनी चाहिए। अगर आंच तेज हुई तो फिर पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा और वो सब्जी हमारी गलेगी नहीं। तो इसका पूरा मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी कि कैसे बगैर पानी के आपने इसको बहुत अच्छी सी सब्जी तैयार कर। और अब यहाँ देखें आप, ये कोई 2 मिनट तकरीबन हो गए हैं और यहाँ आप देखें ये बॉयल आना शुरू हो गया है इसमें सब्जी में। थोड़ी सी टेम्परेचर इसका अच्छा हो गया, अब मिक्स कर लेंगे एक बार फिर। और जो बैंगन है ना, बैंगन का छिलका उतार दिया है हमने ताकि देखने में थोड़ा सा वो ब्लैक सा फील ना आए। अब इसको हल्की आंच पे ढांप देंगे और तकरीबन 15 मिनट ये ढांपी रहेगी हल्की आंच पे, बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। और यहाँ देखें पहले तेज आग थी, अब हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है। दम वाली जितनी होती है ना उसे थोड़ी सी ज्यादा हमने रखी है और इसी आग पे ये पड़ी रहेगी। और यहाँ पे आप देखें इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं रखे हुए और ये बिल्कुल इनका अपना ही पानी था जिसमें ये पकते रहे हैं। और बैंगन तो बिल्कुल अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं और आलू भी इसमें गल चुके हैं। और यहाँ देखें मज़े की थोड़ी थोड़ी ग्रेवी भी आ गई है। ये तो बहुत ही मज़ेदार इस तरह बनता है ये सालन। आप देखें हमने एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डाला, जब तक इसको एक्स्ट्रा पानी नहीं ना लगेगा सब्ज़ी को तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। अगर आप एक्स्ट्रा पानी डाल के पकाएं ना तो वो इतनी टेस्टी नहीं बनती जितनी वो अपने ही पानी में पकती है, वो फ्लेवरफुल बनती है। तो ये 10 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। अब इस स्टेज पे अगर तो आपको लगता है कि आपने थोड़ी सी ग्रेवी इस तरह से रखनी है तो फिर आप बिल्कुल अभी उतार सकते हैं ऊपर। इसके गरम मसाला हम डालेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा इसमें धनिया डालेंगे सब, बस मिक्स कर लेंगे हल्का सा। बस डालना है मैंने आधी टीस्पून के जितना ही डाला है इसमें पूरी। अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे धनिया और पुदीना मिक्स है। धनिया सब्जी के अंदर बहुत अच्छा लगता है, पुदीना और धनिया, ये आप ज्यादा से ज्यादा डाला करें। और यहाँ पे इसको चूल्हा बंद करेंगे और थोड़ी देर ढांपेंगे ताकि इसकी तरी ऊपर आ जाए, फिर आपको फाइनल लुक इसकी जरूर दिखाऊंगी। यहाँ पे हमने तकरीबन 2 मिनट हो गए थे इसको ढांपे हुए, अब आप देखें इसकी फाइनल लुक। और अब हमने ये जो मैंने आपको बताया था ना, हम एक सीक्रेट ट्रिक यूज़ मैं करती हूँ बच्चों को सब्जी शौक से खिलाने के लिए। देसी घी है यहाँ पे और ये देसी घी भी प्योर देसी घी है, ऐसे नहीं। ये 2 टेबलस्पून जैसे मैंने डाल दिए और अब इसमें डाल देंगे हम, इसको गर्म करेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे ये घी हमारा हो चुका है गरम और अब इसमें जितनी सब्जी बच्चों ने खानी है आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर भी आ जाता है, देसी घी भी इसमें आ जाता है। ये देखें आप थोड़ी सी और डाल देंगे और ये जो अब टेस्टी बनती है ना, जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते उनको भी आप इस तरीके से आप बना के दें तो आप देखें कि कैसे वो सब्जी खाते हैं। लुक इसकी आप देखें कितनी आला आई है और इसी तरह टेस्ट तो लाजवाब होता है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे। ये हो चुका है, ये रेडी हो चुकी है बिल्कुल। आप घी से कम भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है ना कि देसी घी है तो इसका कोई इश्यू नहीं है अगर आप ज़्यादा भी डाल दें, लेकिन बच्चे हमारे शौक से खा लेते हैं। ये मैं सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए इसमें रख रही हूँ, इधर ही हम थंबनेल के लिए इसकी पिक भी लेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ ही जनाब, रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।